तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 10 तारीख को मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता दिए जाने के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। एक बार फिर से इसलिए क्योंकि 1985 में इंदौर की रहने वाली शाहबानो का मामला भी ऐसा ही था। शाहबानो का मामला इससे कैसे जुड़ रहा है, इसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आखिर दिया क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं जिनका तलाक हो चुका है, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह बात सभी महिलाओं पर लागू होती है, चाहे वो किसी भी धर्म की हों। इस फैसले का जहां स्वागत किया गया, तो वहीं कुछ धार्मिक संगठनों में से कुछ लोगों ने इसका कुछ-कुछ विरोध किया। कुरान ये कहता है कि इस्लामिक तलाक के बाद गुजारे भत्ते का कोई वजूद नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला देने से पहले कम अज़ कम मुफ्तियान कराम से या इस्लामिक स्कॉलर से रुजू करना चाहिए था। मेंटेनेंस लेने के कारण वो कनेक्टिविटी, वो ताल्लुक बना रहता है, तो इसको मैं कहूँगा ये गैर फितरी अमल है, इट्स अननेचुरल अप्रोच। शरीयत इस्लामिया ने भी इसका निज़ाम बनाया है और शौहर के ऊपर ज़िम्मेदारी आयद की है कि वो अपनी मुतल्लका बीवी का खर्चा दे जब तक कि उसका दूसरा निकाह नहीं हो जाता। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है गुजारे भत्ते को लेके, वो बहुत ही बेहतरीन फैसला है मुसलमान महिलाओं के लिए, तो सबसे पहले मैं कहूँगी, क्योंकि उन लोगों के जो अधिकार हैं वो शरीयत के नाम पर छीने जाते हैं। जैसे गुजारा भत्ता है, वो कहते हैं कि इस औरत से हमारा रिश्ता नहीं है, हमारे साथ रह नहीं रही है, तो हम इसका गुजारा भत्ता क्यों देंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था हम जैसे मुसलमान औरतों के लिए, क्योंकि जिन्हें हर बात पे शरीयत का नाम ले लेके परेशान किया जाता है, कोर्टों में परेशान करा जाता है कि नहीं हमारी शरीयत में मुस्लिम लॉ जिसे कहते हैं उसमें अपनी शरीयत प्लस करके चलते कि हमारे में ये हमारे में वो, उसके ज़रिए हम लोगों की एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन चलता है। जहाँ तक देखा जाए, आजकल मेरा भी मामला चल रहा है, तो हमें हर जगह जगह परेशान किया जाता है कि नहीं इनके मुस्लिम लॉ में और शरीयत में इस तरीके से, तो एक वैसे भी एक कॉमन लॉ होना चाहिए महिलाओं के लिए जो सबके लिए एक जैसा हो। हम नहीं कह रहे कि आपने फेथ्स बदलो या कल्चर बदलो या कुछ भी बदलो, हम बस ये चाहते हैं कि हमें भी ऐसे ही सम्मान, मतलब एक कॉमन तरीके से ट्रीट करा जाए जैसी बाकी औरतों को ट्रीट किया जाता है। अगर बात करें मेंटेनेंस की, तो नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनको मेंटेनेंस मिलना आसान है एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी पे वो ये कहते हैं कि नहीं हमारी शरीयत में कि हमारे साथ नहीं रह रही है तो हम इसे भत्ता नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई, अनलेस एंड अनटिल हम म्यूचुअली अलग नहीं हुए तुम्हें देना पड़ेगा क्योंकि हम नॉन वर्किंग हैं। लेकिन वो इस तरीके की बातें नहीं मानते, जिस तरीके की बातें करते हैं वो बेहद ही ख़राब है, जो कोर्ट में भी की जाती हैं कि ये हमारे साथ नहीं रह रही तो हम नहीं देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कहती हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत बेहतरीन है और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी हम लोगों को। लेकिन सवाल ये है कि इस मामले का विरोध या इसको लेकर अलग अलग बातें क्यों हो रही हैं? क्या पहले ऐसा कुछ हुआ था जब गुजारा भत्ते पर सवाल उठे थे? क्या अब तक तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं देने का प्रावधान था? क्या थे वे प्रावधान जिसके तहत मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस नहीं मिलता था? तो दरअसल भारत में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं पर गुजारे भत्ते से जुड़ा कानून क्यों लागू नहीं हो रहा था, इसकी जड़ें कानून के इंटरप्रिटेशन में, समुदाय विशेष के धार्मिक ग्रंथों और रीति रिवाजों पर आधारित पर्सनल लॉ की व्याख्या के चलते मुस्लिम महिलाएं अब तक इससे वंचित रहीं। एक निजी मीडिया संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में विवाह, तलाक और गुजारा भत्ते से संबंधित पर्सनल लॉ विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग बना हुआ है। भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ जो मुख्य रूप से शरिया से लिया गया है, वो धर्मनिरपेक्ष या हिंदू कानून के तहत गुजारा भत्ता की चली आ रही परंपरा यानी कि अवधारणा को मान्यता नहीं देता है। रिपोर्ट में वकील के हवाले से की गई बातचीत के मुताबिक पिछले कुछ सालों में कई ऐतिहासिक केस के जरिए कानूनों में परिवर्तन भी हुए हैं, लेकिन अब यहां यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि सीआरपीसी की धारा 125 आखिर है क्या, जिसके तहत गुजारे भत्ते देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इसमें नियम क्या है, प्रावधान क्या है, यह किस किस पर लागू हो सकता है, आइए इसे पहले समझते हैं। सीआरपीसी की धारा 125 में महिलाओं, बच्चों और माता पिता को मिलने वाले गुजारे भत्ते का प्रावधान किया गया है।
जबकि अभी इसी महीने से लागू हुए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSSS में यह प्रावधान धारा 144 में किया गया है। ये धारा क्या कहती है? ये कहती है कि कोई भी पुरुष अलग होने की स्थिति में अपनी पत्नी, बच्चे और माता पिता को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। इसमें नाजायज लेकिन वैध बच्चों को भी शामिल किया गया है। धारा साफ करती है कि पत्नी, बच्चे और माता पिता अगर अपना खर्च नहीं उठा सकते तो पुरुष को उन्हें हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। गुजारा भत्ता मजिस्ट्रेट तय करेंगे, लेकिन पत्नी को गुजारा भत्ता तब मिलेगा जब या तो वो खुद तलाक ले या उसका पति तलाक दे, और ये गुजारा भत्ता तब तक मिलेगा जब तक कि महिला दोबारा शादी नहीं कर लेती। वहीं इसके साथ ही इस धारा में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई पत्नी बिना किसी कारण से पति से अलग रहती है या किसी और पुरुष के साथ रहती है या फिर आपसी सहमति से अलग होते हैं वे लोग, तो गुजारा भत्ता पाने की हकदार वो महिला नहीं होगी। आइए अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर अपने फैसले में क्या कुछ कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसवी की बेंच ने 99 पन्नों का फैसला दिया है और कहा है कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी CRPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने के लिए याचिका दायर करने की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि CRPC की धारा 125 सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होती है जिसमें शादीशुदा मुस्लिम महिलाएं भी हैं। अदालत ने यह भी कहा कि CRPC की धारा 125 सभी गैर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर भी लागू होती है। यह भी जान लीजिए कि मुस्लिम महिलाओं के तलाक पर कोर्ट ने क्या क्या कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मुस्लिम महिला की शादी या तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होता है तो भी उस पर धारा 125 लागू होगी। अगर मुस्लिम महिला की शादी और तलाक मुस्लिम कानून के तहत होता है तो उस पर धारा 125 के तहत के साथ साथ 1986 के कानून का भी प्रावधान लागू होगा। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के पास दोनों कानूनों में से किसी एक या फिर दोनों के तहत गुजारा भत्ता पाने का विकल्प मौजूद है। अगर 1986 के कानून के साथ साथ मुस्लिम महिला CRPC की धारा 125 के तहत भी याचिका दायर करती है तो 1986 के कानून के प्रावधानों के तहत जारी हुए किसी भी आदेश पर CRPC की धारा 127(3)(b) के तहत विचार किया जा सकता है। इसका मतलब ये कि अगर पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता दिया जाता है या दिया गया है तो धारा 127(3)(b) के तहत मजिस्ट्रेट उस आदेश पर विचार कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट के जिस ऐतिहासिक फैसले की आज हम बात कर रहे हैं वो क्या है, किसने और कब दाखिल किया, ये भी जानिए। यह पूरा मामला शुरू होता है 15 नवंबर 2012 से। उस दिन मुस्लिम महिला ने अपने पति का घर छोड़ दिया। 2017 में महिला ने अपने पति के खिलाफ IPC की धारा 498A और 406 के तहत मामला दर्ज कराया, जिसे नाराज होकर पति ने महिला को 3 तलाक दे दिया। 28 सितंबर 2017 को उनके तलाक का सर्टिफिकेट भी जारी हो गया। दावा है कि तलाक के बाद इद्दत की अवधि तक पति ने महिला को हर महीने 15,000 रुपए का गुजारा भत्ता देने की पेशकश की थी। अब ये इद्दत की अवधि क्या होती है, क्या है ये इद्दत? दरअसल ये जान लेते हैं, ये अवधि 90 दिन यानी कि 3 महीने तक की होती है। हालांकि इस मामले में महिला ने इद्दत की रकम जो है इद्दत तक रकम लेने से इनकार कर दिया और फैमिली कोर्ट में याचिका दायर करते हुए CRPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता देने की मांग की, जिस पर बीते साल 9 जून 2023 को फैमिली कोर्ट ने हर महीने 20,000 रुपए का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इसके बाद फैमिली कोर्ट के फैसले को पति ने तेलंगाना हाई कोर्ट में चुनौती दे डाली। 13 दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन हर जाने की रकम जो 20,000 थी उसे घटाकर 10,000 रुपए कर दिया गया। तब जाकर महिला का पूर्व पति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसमें उसने ये दलील दी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला CRPC की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार ही नहीं है, क्योंकि मुस्लिम महिला पर 1986 का मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार का संरक्षण कानून लागू होता है। ये वही कानून है जिसे राजीव गांधी की सरकार शाह बानो मामले के बाद लेकर आई थी। लेकिन कोर्ट ने CRPC की धारा 125 के तहत महिला के हक में फैसला सुनाया और यह भी बताया कोर्ट ने, हमने आपको बता दिया कि CRPC की धारा 125 है क्या। आइए अब जान लेते हैं कि शाहबानो का मामला क्या था। दरअसल 62 साल की मुस्लिम महिला शाहबानो जो इंदौर की रहने वाली थी,
उनका मामला जो है इतिहास की किताबों में अक्सर हवाले के लिए जिंदा हो जाता है। शाहबानो को उनके पति ने तलाक दिया था और बाद में पति मोहम्मद अहमद खान ने उसे गुजारा भत्ता देने से भी इनकार कर दिया था। तब उम्रदराज और गरीब शाहबानो को अदालत ने 125 रुपए हर महीने बतौर भत्ता दिए जाने का फैसला किया, जिसके खिलाफ पति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ये बात साल 1985 की है। हालांकि कोर्ट ने पति के द्वारा पत्नी को भत्ता देने के आदेश के बाद मामले पर फिर बहस भी छिड़ गई। कई मुस्लिम संगठनों राजनेताओं ने आपत्ति जताई और इसे इस्लामी कानून का खंडन बताया। इसके बाद तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पारित कर दिया, जिसके मुताबिक मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को अपने पूर्व पतियों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के अधिकार को केवल 90 दिनों की अवधि तक ही कर दिया गया। ये 90 दिनों की अवधि ही इद्दत, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके थे, वही कहलाती है। और इसी जो राजीव गांधी की सरकार के द्वारा जो ये पारित किया गया था, इसी का हवाला इस मामले में दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाएं भी हर्जाना या भत्ता पाने की हकदार हैं और इसको लेकर वे याचिका दायर कर सकते।